2016 में लॉन्च हुई टिकटॉक ऐप को फाइनली गूगल और प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टिकटॉक एक चाइनीस ऐप है जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अब इसको हाल ही में मद्रास सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। लेकिन इस पर फाइनल फैसला अभी आना बाकी है जो कि 22 तारीख को आएगा। देखते हैं क्या होता है, ये इंडिया में बैन होती है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज होती हैं टिकटॉक ऐप पर। इसका मेन जो रीज़न है बैन होने का वही है कि बच्चों को मानसिक तौर पर बहुत ही परेशानी आ रही है। बच्चे लगे पड़े हैं, बच्चे क्या नौजवान बूढ़े सभी लगे पड़े हैं इस ऐप पर दिन रात। तो इसीलिए मद्रास सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि इसको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। 22 तारीख को इस पर फाइनल फैसला आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2-3 देशों में इसको पहले ही बैन कर दिया गया है, अभी इंडिया में भी इसको बैन कर दिया जाएगा। बाकी इस पर फाइनल फैसला है जो 22 तारीख को ही पता लगेगा कि इसको बैन कर दिया जाएगा या नहीं बैन कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है इस पर 18+ कंटेंट थे जो उनको रिमूव कर दिया जाए और फिर से इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर बैक कर दिया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें 22 तारीख को ही पता चलेंगी फैसला आने के बाद।